कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो कि आप सब लोगों ने 7th सेम तक की जर्नी कंप्लीट कर लिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए सेमेस्टर 8 में सबसे पहले करना क्या है। तो सबसे पहले तो हमें गूगल पे GTUPMMS टाइप करना है और जो फर्स्ट साइट विजिबल हो रही है उस पर क्लिक करना है, जिससे हम हमारे GTU के PMMS पोर्टल में लॉगिन हो सकेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन विंडो के लिए हमारा एनरोलमेंट नंबर और हमारा पासवर्ड चाहिए। तो अगर हमें पासवर्ड याद ना हो तो हम यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके हम हमारी ईमेल आईडी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, और सेंड पासवर्ड पर क्लिक करने से हमें एक मेल आ जाएगा, नया पासवर्ड उसमें मिल जाएगा। और अगर हम देख लें कि इस बार 7 सेमेस्टर 8 के लिए हमें हमारा जो जोन वाइज जो शेड्यूल होता है कि किस डेट तक कौन सी एक्टिविटी ख़त्म होनी चाहिए, पूरी कर लेनी चाहिए, तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्लिक करना है और हमारी मेल आईडी से साइन इन करना है, जिससे कोई ये शेड्यूल पूरा ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि Zone 1, 2 और Zone 3, 4, 5 ये दोनों पार्टीशन कर दिए गए हैं कि इस तारीख Zone 1, 2 के लिए ये सब तारीख और Zone 3, 4, 5 के लिए ये सब। यहाँ पे टीम फॉर्मेशन जो कि 24/1/2018 तक थी, तो वो टीम फॉर्मेशन हो जानी चाहिए, और ये 25 से 1 फरवरी उस तक ख़त्म होनी चाहिए। और PPR के बारे में भी बात कर ले, Zone 1, 2 के लिए 2/2/2018 से 5/2/2018 और 3/4/5 के लिए 6/2। तो इस तरह से सारी एक्टिविटी हमें ख़त्म करनी है। तो दूसरा हम देख लेते हैं कि हम किस जोन में बिलोंग करते हैं। तो अगर वो हम बात कर ले तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो यूज़र मैनुअल फॉर स्टूडेंट है उस पर क्लिक करना है, जिससे हमारे लिए स्टूडेंट मैनुअल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर हम देख लें जो कि मैंने पहले से, तो वो मैनुअल ओपन होते ही इस तरह से कुछ हमें विजिबल होगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारी जोन वाइज शेड्यूल कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें 15 पेज नंबर, हाँ, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे कि यहाँ पे लिस्ट जोन वाइज कॉलेजेस। तो हम यहाँ से देख पाएंगे ये जो इंस्टीट्यूट नेम है, जैसे कि AD पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसका Zone 3 है जो कि फर्स्ट कॉलम में शो कर रहा है, और इंस्टीट्यूट नेम जो थर्ड थर्ड कॉलम में। उस तरह से हम अपनी कॉलेज फाइंड कर लेंगे। वो फाइंड होते ही तो उस शेड्यूल से हम पता कर पाएंगे कि हमें कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पीरियड के समय ख़त्म कर देनी है। तो चलिए हम लॉग इन करते हैं कि आगे हमें करना क्या है। तो हमें सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर कर देना है, जिससे बाद हमें कुछ विंडो इस तरह से ओपन होगी। तो हमें यहाँ Move to 8th Semester लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करना है। तो वो क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरा एक प्रॉम्प्ट ब्लॉक ओपन होगा, तो उस पर हमें फिर से क्लिक करना है Move to 8th, और प्रॉम्प्ट विंडो आने के बाद उसमें हमें एक बार ओके करना है कि Move to 7th Semester 8 कंप्लीटेड, सक्सेसफुली Move to 7th Semester 8। 8th सेमेस्टर में मूव करने के बाद हमें जो सेमेस्टर 7 में किया था उसी तरह से भी 8th सेमेस्टर का डैशबोर्ड मिल जाएगा कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। तो टीम फॉर्मेशन करनी है, स्टूडेंट एक्टिविटी स्टेटस की PPR 1, 2, 3, 4, उसके बाद हमें बिजनेस मॉडल कैनवास BMC और उसकी एक इमेज हमें डालनी है, और एक रिपोर्ट उसकी एक्टिविटी यस या नो उसी तरह से, और PDE जो कि पैटर्न ड्राफ्टिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्लेगरिज्म और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और इस सारी बात है। लेकिन इस बार इसमें PSAR नहीं है, तो वो एक कम एक्टिविटी हमारे लिए है। तो जो हमें 8th सेमेस्टर में जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें क्या करना है, जो है हमें टीम रजिस्ट्रेशन करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट में क्लिक करना है, चेक एक्टिविटी स्टेटस और टीम रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। तो हमें
ये विंडो दिखाई दे रही है जिसमें लिखा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू सेमेस्टर 7 प्रोजेक्ट इन सेमेस्टर 8, कि आपको वही प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना है, तो यस या नो आपकी तरह से, तो सिलेक्ट ऑप्शन टू कंटिन्यू विथ सेमेस्टर 7, तो यस, और सिलेक्टेड ऑप्शन कि आपको ओल्ड टीम के साथ काम करना है या न्यू टीम के साथ। अगर आप न्यू टीम के साथ करोगे तो आपको फिर से टीम फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, जो कि हमने पहले किया था कि कौन सा प्रोजेक्ट है, सारी डिटेल प्रोजेक्ट के बारे में, गाइड के बारे में डिटेल, और जो हमने वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर टाइप किया था और उसको ऐड बटन पर क्लिक किया था, उसी तरह से नई टीम बिल्डअप करनी है, फॉर्म करनी है। तो चलिए पहले तो हम ओल्ड टीम के साथ जाते हैं, तो सारे नाम आ जाएंगे और टीम रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, तो हमारी टीम रजिस्टर्ड हो जाएगी, जिससे और आपको यहाँ पे टिक करना है कि आई एंड वी हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन सबमिटेड अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, कि हमने देख के ये सब टाइप किया, देख लिया और ये सब सही है, और सबमिट। जिससे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। सो हमारी टीम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पेंडिंग में है।